स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं, हम ये वाली वेबसाइट आज सीखेंगे बनाना। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन है। हीरो सेक्शन जो था, ये हमारा मेन सेक्शन है। इसके बाद हमारे ब्लॉग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पीपल, अर्बन, एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर लिंक वाले सेक्शन है, अपने फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह जो लिंक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और सेक्शन है, यहाँ पर अलग अलग पेजेस के लिंक्स हैं, होम, अबाउट, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अबाउट सेक्शन है। फिर ये न्यूज़ वाले सेक्शन में आपके सारे के सारे ब्लॉग आएंगे। जो भी आप ब्लॉग अपडेट करेंगे फ्यूचर में, वो सारे के सारे ब्लॉग आपके न्यूज़ सेक्शन में शो होंगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया का है, मतलब जैसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, यहाँ पे अपना नेम, ईमेल वगैरह, अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आके अपना नाम, ईमेल, ये सब आपको सेंड कर सकता है, फिर आपके मेल में आएगा। तो आप देख सकते हैं हम ये पूरी की पूरी वेबसाइट आज सीखेंगे बनाना, वो भी बिना किसी HTML, बिना किसी CSS, बिना किसी JavaScript के नॉलेज के बिना। अगर आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी है और ये सीखना है कि ये कैसे बना सकते हैं फ्री में बिना किसी कोडिंग के, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना है XAMPP। आपको इस वेबसाइट पर जाके XAMPP को डाउनलोड कर लेना है। सबसे लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करके इसको अपने PC में इंस्टॉल कर लो। PC में इंस्टॉल करने के बाद वो आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको wordpress.org में जाके WordPress इंस्टॉल करना है, और जो उसकी zip फाइल आएगी वो आपको आगे चल के एक्सट्रैक्ट करना है जब XAMPP आपका इंस्टॉल हो जाएगा HT डॉक्स वाले फोल्डर में जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सब डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपली XAMPP डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपका XAMPP का जो सेटअप आएगा वो यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ जाएगा। और WordPress जब आप करोगे डाउनलोड तो वो भी इसी फ़ोल्डर में आएगा। वहाँ से आपको उसको मूव करना है XAMPP इंस्टॉल करने के बाद XAMPP फ़ोल्डर में आके HT डॉक्स के अंदर आके आपको WordPress को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फिर उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप अपने WordPress को यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और जब इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, WordPress नाम का एक फ़ोल्डर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो XAMPP इंस्टॉल करा था उसको स्टार्ट करना है, और उसमें अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर देना है। जब वो हरा हरा हो जाए तो सिंपली आपको उसको मिनिमाइज़ करके जो भी आपके पुराने टैब थे उनको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको वो लोकल होस्ट /phpMyAdmin पे जाके एक डाटा बेस बनाना है, न्यू डाटा बेस phpMyAdmin पे जाके। सिंपली आपको डाटा बेसिस में जाके यहाँ पे एक डाटा बेस नेम डालना है, और ये नेम आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने डाटा बेस बना दिया, अब आपको लोकल होस्ट /WordPress में जाना है, थोड़ा ये खुलने में कभी कभी टाइम लगाता है, इसलिए आपको इंतज़ार करना है जब तक ये खुले ना। फिर आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, लेट्स गो। फिर यहाँ पर वही सेम डाटाबेस नाम लिखना है जो आपने वहाँ पर बनाया था, न्यू मैंने बनाया था तो न्यू में नाम लिखूँगा। यूज़र नेम आपका रहेगा रूट, और आपका पासवर्ड रहेगा इसमें ब्लैंक, और फिर इसको सबमिट करके रन द इंस्टॉलेशन कर देना है। फिर यहाँ पर अपने मुताबिक जो भी आपको साइट में टाइटल डालना है अपने हिसाब से, आप साइट अपना टाइटल डाल लो, जो भी आपका मर्जी है, जो भी आपको पसंद है। ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं हम तो ब्लॉगिंग कर देते हैं। यूज़र नेम अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड अपने हिसाब से रख लो। मैंने यहाँ पे राहुल सिंह पासवर्ड रखा है। जो मैंने पासवर्ड रखा है वो खोलने की कोशिश मत करना, नहीं खुलेगा, ये एक डेमो है। फिर यहाँ पर कन्फर्म कर देना है यूज़ वीक पासवर्ड, योर ईमेल डाल के इंस्टॉल WordPress पर क्लिक कर देना है। थोड़ा कभी कभी इसमें टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है।
थोड़ा वेट कर लो, शायद मेरा नेट स्लो है। हाँ देखिए इंस्टॉल हो गया सक्सेस। सिंपली आपको ये जो आ रहा है ये वीक पासवर्ड ऐसे ले आ रहा है, लॉगिन कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पर मतलब रिमेंबर में कर दो तो वो आपको याद रखेगा। फिर यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन कर देना है, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली अपने पोस्ट वाले सेक्शन में जाके जितने भी पुराने पोस्ट थे उन सबको डिलीट कर देना है, और अपीयरेंस में जाके प्लगइन्स में जाके जितने भी पुराने प्लगइन्स थे उनको भी डिलीट कर देना है, डीएक्टिवेट करके एक साथ ऐसे जैसा मैं कर रहा हूँ। एक एक करके डीएक्टिवेट ना करें, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए सबको एक साथ चूज़ करके एक ही बार में डिलीट और डीएक्टिवेट कर दो। अब सिंपली आपको पेजेस वाले सेक्शन में भी ऐसे ही करना है, मूव टू ट्रैश, ऊपर से ऑल क्लिक, अप्लाई। अब आपको जाना है ये अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके, और जो आपके यहाँ पे थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वर्डप्रेस की, जो पहले से दो तीन थीम इंस्टॉल रहती है, इनको आपको सिंपली जाके डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद डिलीट ओके, अब आपको एक न्यू थीम इंस्टॉल करनी है नेवे नाम की। ऐड न्यू पे जाएंगे, सर्च कर सकते हैं, अगर सर्च नहीं करना तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे थीम आ जाएंगे, इसमें से आपको नेवे नाम की इंस्टॉल करनी है, NAVE। इसको इंस्टॉल होने दीजिए, जब तक ये इंस्टॉल होता है थोड़ा वेट करो। अभी ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, अब इसको सिंपली आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद इसमें जो ट्राई वन ऑफ आर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट, अब इसमें आपको जाना है। स्टार्टर साइट में जाने के बाद ट्राई वन ऑफ आर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट में जाके ये इंस्टॉलिंग करेगा। स्टार्टर साइट्स वगैरह जो भी इसकी प्लगइन होंगी उसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना है, और यही सेम सेटअप फॉलो करना जो आप देख रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर ब्लॉगिंग वाली बनानी है, तो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट हम यहाँ पे ढूंढेंगे कहाँ पर है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपने कोई और स्टार्ट कर ली तो वो वापस पीछे आपको भेज देता है, इसलिए हम फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एकदम आखिरी तक देखें, बीच से वीडियो स्किप मत करें, अगर आप स्किप करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, हमने ब्लॉग वाले जाके यहाँ पे इसको देखा, तो आप देख सकते हैं अपन को यही वाली वेबसाइट इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर एकदम बनी बनाई वेबसाइट आपको मिलेंगी, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही का वही अबाउट सेक्शन पूरा बना का बनाया है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं जाके एडिट वाले सेक्शन में, जब ये आप इंपोर्ट कर लेंगे वो सब आपके ऊपर है। आप इसमें जितनी भी यहाँ फ़ोटोज़ दिख रही है सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको पूरी की पूरी स्टाइलिंग चेंज करनी है वो भी चेंज कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। आपको सिंपली इंपोर्ट में जाके इसको इंपोर्ट कर देना है, जो भी इसमें पहले से टिक है उसको सबको टिक रहने दीजिए, आपको सिंपली इंपोर्ट कर देना है पूरी की पूरी वेबसाइट, प्लगइन्स, इंपोर्ट एंटायर साइट पर क्लिक कर देना है। और अब बस आपको थोड़ा 5 मिनट वेट करना है,
इसको इंपोर्ट करने में थोड़ा मेरे ख्याल से टाइम लग रहा है। ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो ये इंपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप एकदम रिलैक्स होकर वेट करो जब तक ये। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वेबसाइट थी वो इंपोर्ट होने ही वाली है, और ये देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, व्यू वेबसाइट पर जाना है, और जैसे ही आप व्यू वेबसाइट पर जाएंगे तो जो आपने वेबसाइट अभी देखी थी वहाँ पे, वो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे वही सेम इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप इसमें अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग पोस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको सिंपली ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे पेज एडिट, वहाँ पे जाके आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी नाम वगैरह चेंज करने हैं वो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हम एक ब्लॉग कैसे ऐड करें। तो सिंपली आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको सिंपली पोस्ट में जाना है, और पोस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑल पोस्ट में जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी आपने ब्लॉग अब मतलब थे इसमें, वो इसमें आपको शो करेगा। अब इसमें हम एक और ब्लॉग आपको ऐड करके शो करेंगे कि इसमें कैसे आप अपने मतलब यहाँ पर वेबसाइट में ब्लॉग वगैरह आप डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको ब्लॉगिंग में जाके डैशबोर्ड में जाना, और यहाँ पर जाके ऑल पोस्ट में जाना है। ऑल पोस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लॉग टिप्स फॉर बिगनर्स है, ये ब्लॉग इसमें पहले से बनी बनाई है, तो आप वहाँ पर जाके व्यू भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से अगर व्यू करना है तो न्यूज़ वाला जो पेज है होम अबाउट न्यूज़, उसमें आप जाके सारे के सारे अपने ब्लॉग व्यू आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने जो भी मतलब ब्लॉग है उनको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं नाम के साथ। अगर आप न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सारे के सारे ब्लॉग शो हो रहे हैं जो भी आप फ्यूचर में अपलोड होंगे, और जो पहले से अपलोड हो रखे हैं वो भी सारे के सारे न्यूज़ वाले ब्लॉग में शो होंगे। आप किसी भी ब्लॉग सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग खुल जाएगा। अब आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना है। अब मैं आपको एक नया ब्लॉग इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, ब्लॉग को इसमें पोस्ट बोलते हैं। तो आपको सिंपली ऐड न्यू पे जाके न्यू ब्लॉग, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग के बारे में जो भी आपको मतलब डालना है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे फीचर इमेज सेट कर दें, अभी तो मेरे पास यही फीचर इमेज है तो मैं जस्ट आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ कैसे सेट करते हैं, और सिंपली आपको पब्लिश कर देना है। ये बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। क्या आपको अपने ब्लॉग में लिखना है, सबसे पहले आपका ऊपर यहाँ पर टॉपिक आएगा, न्यू ब्लॉग जो है उसका मेन हेडिंग रहेगी, और उसके बाद हेडर स्क्रिप्ट में फुटर स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो ब्लॉग अभी ऐड करा था वो यहाँ पर आ गया है न्यू ब्लॉग न्यूज़ वाले सेक्शन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ब्लॉग अपलोड करिए, यह आपका एक ब्लॉगिंग वाली फ्री में एकदम मस्त वाली हो गई है, एकदम रेडी वेबसाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़